नमस्कार, मैं वेद प्रकाश गुप्ता, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी पाली चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव है टू प्लॉट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड एपरेटस हैं ट्रेनर बोर्ड, एमीटर, वोल्ट मीटर, कनेक्टिंग लीड्स एक्सेट्रा। थ्योरी में ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर, एमीटर। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। ए लेयर ऑफ एन डॉप्ड सेमीकंडक्टर सैंडविच बिटवीन टू लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर फॉर्म्ड। ए लेयर ऑफ पी डॉप्ड सेमीकंडक्टर सैंडविच बिटवीन टू लेयर ऑफ एन डॉप्ड सेमीकंडक्टर व्हेन एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर्म। इसमें जैसे एक टाइपिकली सिलिकन ट्रांजिस्टर बताया गया ऊपर, और इसमें दोनों एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल बताए गए हैं। इसमें एरो का निशान एमीटर पर लगा रहता है तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो एमीटर से बेस की तरफ होता है तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो बेस से एमीटर की तरफ होता है। इस सर्किट डायग्राम में जैसा कि ये एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाया गया है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, इसमें एक वेरिएबल पावर सप्लाई लगी रहती है जिससे अपन परिवर्तित वोल्टेज के मान को इनपुट में परिवर्तित कर सकते हैं तथा एक वोल्ट मीटर तथा एक एमीटर इनपुट में जुड़े रहते हैं। एमीटर से आई के मान को दर्शाता है तथा वोल्ट मीटर वीईबी वोल्टेज को बताता है, और इसी प्रकार से वोल्ट मीटर तथा एक एमीटर आउटपुट में जुड़े रहते हैं जिसमें एक एमीटर आईसी के मान को तथा वोल्ट मीटर वीसीबी के मान को बताता है, और आउटपुट में एक वेरिएबल पावर सप्लाई जुड़ी रहती है जो वोल्टेज का मान परिवर्तित आउटपुट में कर सकते हैं। इसमें बेस इज ग्राउंडेड इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। इस प्रकार के एनपीएन ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसमें हम दो प्रकार के की करेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं, एक इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, दूसरी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। ग्राफ बिटवीन इनपुट करेक्टरिस्टिक्स इनपुट करंट आई एंड इनपुट वोल्टेज वीबीई कीपिंग आउटपुट वोल्टेज वीसीबी कांस्टेंट इज कॉल्ड इनपुट करेक्टरिस्टिक्स इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट करेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि एमीटर बेस जंक्शन साधारण पीएन जंक्शन डायोड की तरह कार्य करता है। जैसे जैसे हम वीसीबी को बढ़ाते हैं इसका कट ऑफ वोल्टेज कम होता जाता है और इनपुट करंट तेज़ी से बढ़ती है। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ बिटवीन आउटपुट करंट आईसी एंड आउटपुट वोल्टेज वीसीबी कीपिंग इनपुट करंट आईई कांस्टेंट इज कॉल्ड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे जैसे वीसीबी बढ़ता है शुरू में आईसी का मान भी बढ़ता है, इसे सैचुरेशन रीजन कहते हैं, परंतु एक निश्चित मान के बाद आईसी कांस्टेंट हो जाता है, इसे एक्टिव रीजन कहते हैं।
ग्राफ में हम देखते हैं कि आईई बढ़ाने पर आईसी का मान भी बढ़ता है। आईई बराबर 0 के नीचे वाले रीजन को कट ऑफ रीजन कहते हैं। रिजल्ट, वी हैव स्टडीड अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन। थैंक यू।